हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम बहुत टेस्टी रेसिपी लेके आए हैं, बिल्कुल न्यू है, तो चलिए इसे बना लेते हैं। तो फ्रेंड, इन दिनों आम बहुत अच्छा आ गया है। हम बना रहे हैं कच्चे आम से खट्टी मीठी कैंडी। उसके लिए हमने काला नमक, सादा नमक, जीरा पाउडर और चीनी लिया है, इसी से हमको बनाना है। तो हमने ये 1.5 kg आम ले लिया है और इसे हम छील करके काट लेंगे, छोटा छोटा पीस काटेंगे। गूदे वाला आम लें ताकि अच्छे से इसमें गूदा अच्छे से निकले। तो इस तरह से हम इसे ऊपर के छिलके को छील लेंगे। कच्चे आम के जो खट्टी मीठी कैंडी बनती है, बिल्कुल कच्चे आम की जो टॉफ़ी होती है उसी तरह लगती है खाने में। एक बार आप बना लें, इसे सालों रख के इंजॉय कर सकते हैं। ख़राब बिल्कुल नहीं होता है और टेस्टी इतना होता है कि आप चाहें तो इसकी चटनी भिगा के पीस लें, आप चाहें तो ऐसे खाएँ, किसी भी रूप में आप उसे खाएँ, बहुत टेस्टी लगता है। तो इस तरह से देखिए, हमने आम को छील लिया है। अभी सारा आम छिल जाएगा, उसके बाद हम इसे काट काट करके दिखाएंगे। तो इस तरह से देखिए, इसमें अभी गुठली नहीं पड़ी है इसलिए ये आसानी से कट जा रहा है। इसके सीड को निकाल लेंगे और इसके छोटे छोटे पीस काट लेंगे, ताकि ये हम बॉयल नहीं कर रहे हैं, इसको हम ग्राइंड करके बनाएंगे। ना बॉयल करना है, ना ही इसे आपको घिसना है। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे बनाया है। इस तरह से छोटे छोटे पीस काट लेंगे और मिक्सी जार में हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। तो इसमें हमने फ्लेवर के लिए हरी धनिया, पुदीने की पत्ती भी डाला है, उससे इसमें काफ़ी अच्छा फ्लेवर आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगेगा, हाजमे के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। ये देखिए, हमारे आम कट गए हैं और अब हम लास्ट वाला आम काट के दिखाते हैं। इस तरह से हमने सारे आम को काट लिया है। देखिए, इस तरह से छोटे छोटे पीस हमने काट के रख लिए हैं। अब इसे हम बॉयल नहीं करना है, अब इसे हमको पीसना है। तो अब हम इसे देखिए, धनिया की पत्ती ले लिए एक बंच और पुदीने की पत्ती ले लिए, सबको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। जितना आम एक बार में आए उतना ही हमको पीसना है, बस उतना ही पानी डालेंगे जितने से आसानी से पिस जाए। तो ये देखिए, ये आम पिस के तैयार हो गया। कितना अच्छा पिसा है, कलर कितना अच्छा आया है। तो इसको हम छान लेंगे, उसके बाद फिर जो बाकी काम है उसे भी पीस लेंगे। तो इस तरह से देखिए, छान करके इसको पूरा ही हम स्टैंड कर लेंगे। जो भी इसके लम्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे और गूदे सारे नीचे छन के चले जाएंगे। इस तरह से हम देखिए, दूसरा वाला भी आम पीस लिए। तो ये देखिए, इसका ये गूदा निकला है और इसे अब अलग कर देंगे। इसका हम जूस बना लेंगे और इसे इस तरह से अलग कर लेंगे। तो अब चलते हैं कढ़ाई की तरफ और इसे पका लेते हैं। इसको हमने पहले फ्रेश ही पीसा है, उसके बाद अब इसे पकाएंगे। एक कढ़ाई लिए हैं, उसमें हम इसको डाल दिए हैं और कम से कम 2 मिनट तक इसे हम पका लेंगे। उसके बाद इसमें हम चीनी डालेंगे और मसाले डालेंगे। देखिए, 2 मिनट हो गया है और हमने इसमें 1 कप डाल दिया है चीनी, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून सादा नमक और 1 स्पून जीरा पाउडर। बस इतने से ही हमने इसको बनाया है। ये भुना हुआ पिसा जीरा है, भून के पीस लिया हमने। और 1 स्पून हमने डाल दिया इसमें रेड चिली पाउडर और इसमें हम 1 बूंद डाल दिए हैं घोल कर कलर। और इस तरह से देखिए, कलर इसका आ गया है। इसको 1 से 2 बूंद ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है कलर को। और एक थाली तैयार कर लेंगे जिसमें हमको जमाना है। तो ये देखिए, कलर डाल के हमने इसे 5 मिनट तक पकाया, उसके बाद ये इस तरह से हो गया। 10 से 15 मिनट में ये आपका तैयार हो जाएगा। पहले हमने 2-3 मिनट मसाला डालने के पहले पकाया था, मसाला डालने के बाद 3-4 मिनट पकाया और उसके बाद कलर डालने के बाद भी 5 मिनट पकाया। और देखिए, जब गाढ़ा हो गया तो हम इसे इस तरह से थाली में जमा लिए। 2-3 दिन तक हमने इसे घर में ही रखा था और 1 घंटे हमने धूप दिखाया है बस। और अब इसे हम काट लेते हैं। देखिए, कितना बढ़िया सूख के तैयार हो गया है। इसका मोटाई बहुत ज़्यादा नहीं है, आप चाहें तो और मोटा अगर बनाना चाहते हैं तो थोड़ी छोटी थाली में जमाएँ, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा सूखने में। तो ये देखिए, सूख के बिल्कुल तैयार हो गया। कलर कितना अच्छा आया है, ये बहुत ही टेस्टी, बहुत हेल्दी होता है। इसे हम सब निकाल लेते हैं और उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं इसमें क्या और मिलाना है। और चटपटा करने के लिए ऊपर से हमने चाट मसाला डाल दिया 1 टीस्पून, 1 टीस्पून हमने डाला काला नमक और 1 स्पून हमने शुगर पाउडर डाला। सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। ये ऊपर से डालने से और चटपटा हो जाता है। और अब इसे हम प्लेट में लगा लेते हैं। देखिए, इतना ही मोटा बना है, आप चाहें इसे और मोटा बना सकते हैं। ये कैंडी बहुत टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, एक बार इसे इस तरह से बनाएं और कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें। इस तरह से बनाएंगे तो आपकी कैंडी बहुत टेस्टी बनेगी, बहुत ही अच्छी बनेगी। तो इस तरह से बनाएं और इन्जॉय करें।
ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।